नमस्कार, स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ नायक पाटीकर और आज हम बात करेंगे दो SUVs की। ये बहुत ही अलग मॉडल्स हैं क्योंकि ये अलग अलग सेगमेंट से हैं। शुरुआत करेंगे MG ग्लॉस्टर के साथ। ये कुछ ही दिनों पहले बाजार में उतारी गई थी और ये सीधी टक्कर लेती है टोयोटा फॉर्चूनर, फोर्ड एंडेवर ऐसी गाड़ियों के साथ। तो इसमें क्या खास है, आइए जानते हैं। मौजूदा समय में ऑटो सेक्टर की चुनौतियों से अलग SUV के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, जब हर सेगमेंट में नए मॉडल्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ये MG की भारतीय बाजार में हेक्टर, ZS EV और हेक्टर प्लस के बाद चौथी कार है। ऐसे में जहां MG ने अपने पांव बेहतर तरीके से पसार लिए हैं, तो किसी और सेगमेंट में उतरने की जरूरत है भी कि नहीं। अगर हम भारतीय SUV बाजार के बारे में बात करें तो एक कहावत हमेशा जहन में आती है, बड़ा है तो बेहतर है। जी हां, और आज हमारे साथ है MG ग्लॉस्टर, MG मोटर इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे नई SUV। ये एक फ्लैगशिप मॉडल है और जैसा कि एक फ्लैगशिप मॉडल को होना चाहिए, अंदर से बाहर से ये बहुत सारे फीचर्स और तकनीक से लैस है। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू MG ग्लॉस्टर का। ग्लॉस्टर की कुल डिजाइन हेक्टर या हेक्टर प्लस जैसी जटिल तो नहीं है, शायद MG ग्लॉस्टर के साथ सरल डिजाइन देना चाहती थी। तो हम ग्लॉस्टर का जो ये वाला मॉडल टेस्ट कर रहे हैं उसमें एक 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन है। जी हाँ, 2 टर्बोज इस इंजन के अंदर, और जो इंजन है ये करीब करीब 215 ब्रेक हॉर्स पावर और 480 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। अगर गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें एक 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा हुआ है, साथ ही में एक बॉर्ग वॉर्नर का 4x4 सिस्टम भी लगा हुआ है जिसके 7 ड्राइविंग मोड्स हैं। लेकिन आज के लिए हम ग्लॉस्टर को जो है सिर्फ टारमैक पे चलाएंगे, सिर्फ सड़क पे चलाएंगे और इसके साथ ऑफ रोडिंग फिर कभी करेंगे। ग्लॉस्टर में पावर और टॉर्क का आंकड़ा इसके मुकाबले में खड़ी फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा अल्टुरस G4 से ज्यादा है। जो ग्लॉस्टर का वजन होगा वो आराम से 2 टन के ऊपर है और इस हिसाब से गाड़ी में जो 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन लगा हुआ है वो 1700 RPM से ही ताकत टॉर्क जो है गाड़ी को देना शुरू कर देता है। हल्का सा टर्बो लैग है लेकिन वो आपके ड्राइविंग के अनुभव को बिगाड़ता नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छे से स्पेस्ड आउट है और इस वजह से गाड़ी हमेशा पावर बैंड में रहती है। जो रेव रेंज है, जो टॉर्क डिलीवरी है, काफ़ी फ्लैट है और काफ़ी अच्छा है। MG ग्लॉस्टर का कैबिन देखते ही आपका ध्यान डैशबोर्ड की डिज़ाइन पर जाएगा, जो आपको एक जर्मन निर्माता द्वारा बनाई SUV की याद दिलाएगा। हमारा मतलब है कि डैशबोर्ड पर रोटरी नॉब, AC वेंट्स, क्लाइमेट कंट्रोल के बटन, यहाँ तक कि टच स्क्रीन भी आपको BMW की याद दिलाएगी। जैसा कि सबसे महंगी SUV में अमूमन देखा जाता है, ग्लॉस्टर भी भरपूर फीचर्स के साथ आती है। SUV को महंगे टैन लेदर वाली अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो प्रीमियम इंटीरियर और यॉट स्टाइल के गियर नॉब के साथ आती है। इसके कैबिन में इस्तेमाल किए गए मटेरियल को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी प्रीमियम है। हालांकि वायरलेस चार्जिंग ट्रे और रोटरी नॉब पर आपको कुछ प्लास्टिक देखने को मिलेगा, जिसे बेहतर बनाया जा सकता था। ग्लॉस्टर के डैशबोर्ड को साफ सुथरा डिजाइन दिया गया है और यहाँ सबसे आकर्षक 12.3 इंच का टच स्क्रीन पैनल है। खड़े होने की जगह लेटे आकार में लगाया गया है, हेक्टर और हेक्टर प्लस से अलग। इसके अलावा आपको 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जो स्पीड और रेव्स के लिए एनालॉग काउंटर्स के साथ आता है। ग्लॉस्टर के साथ मिले बाकी फीचर्स में हीटेड सीट्स शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक तौर पर एडजस्ट भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा 3 जोन का क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जिंग,
बड़े आकार की पैनोरामिक सनरूफ और सेगमेंट में पहली बार दी गए 64 रंगों वाली एम्बियंट लाइटिंग फीचर है जो सिर्फ महंगी कारों में ही देखने को मिलती है। MG Gloster एक कनेक्टेड SUV है जिसे MG की iSmart तकनीक दी गई है, लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आधुनिक ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स यानी ADAS है। कहने का मतलब, Gloster के साथ ऑटो पार्क असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के अलावा लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बाकी फीचर्स के अलावा कैसे काम करता है ऑटो पार्क असिस्ट। Gloster के साथ 6 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेक्स, हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ, डिज़ाइन जो है इसका और बेहतर हो सकता था, काफ़ी प्लेन और सिंपल है। वेलकम बैक। अब बात करते हैं नई टाटा नेक्सॉन की। ये एक ऑल न्यू यानी कि नई जनरेशन का मॉडल तो नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं और ये खास टाइमिंग होगी टाटा मोटर्स की तरफ से, क्योंकि अगर आप अभी बाज़ार में देखें तो सब कॉम्पैक्ट SUVs इस सेगमेंट में काफ़ी हलचल हो रही है। आइए देखते हैं कार में नया क्या है। टाटा नेक्सॉन सब 4 मीटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक है। ये भारत में बनी पहली कार थी जिसे ग्लोबल एनकैप ने सुरक्षा के लिए 5 सितारा रेटिंग दी थी। इस साल के शुरुआत में टाटा ने नेक्सॉन को एक फेसलिफ्ट देने का फैसला किया और कार को ज्यादा दमदार लुक और बढ़े हुए फीचर्स के साथ पेश किया गया। जी हाँ, ये है 2020 की नई टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। और चलती महामारी के वजह से भले ही इसे हमारे पास आने में थोड़ा वक्त लग गया हो, पर देर आए दुरुस्त है। स्टाइलिंग की बात करें तो ये टाटा नेक्सॉन अभी काफ़ी शार्प लगता है। आपको ये नया ग्रिल मिलता है जिसमें ये ब्लैक स्लैट है जो टाटा का लोगो हाउस करता है। साथ ही साथ आपको ये नया शार्प लुकिंग हेडलैम्प मिलता है जिसमें प्रोजेक्टर लाइट्स है, LED है और LED DRLs है। बम्पर की बात करें तो काफ़ी मस्क्यूलर है, नया है। उसमें आपको ये नया फॉग लैम्प हाउसिंग भी मिलता है जिसमें पुरानी सफ़ेद कलर के जो इंसर्ट्स थे उसको इस नए सिल्वर ब्रैकेट्स के साथ बदल गया है, जो दोनों ही साइड में मिलता है। बम्पर में नीचे आपको फॉस किट प्लेट्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ नया ट्राई एरो डिज़ाइन भी है। कार के साथ नए व्हील्स दिए गए हैं जो पहले के मुकाबले बहुत अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा आपको काले रंग में स्टाइलिश शीशे और इंडिकेटर्स के साथ रूफ रेल्स भी मिलेंगे। कार के पिछले हिस्से में भी मामूली बदलाव किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है LED टेल लैंप्स का ट्राई एरो पैटर्न, नई जगह पर लगा नेक्सॉन लोगो और पहले से ज्यादा आकर्षक पिछले बम्पर के साथ ब्लैक क्लैडिंग और इससे मेल खाती नकली सिल्वर स्किड प्लेट। कार के अंदर आते ही आप समझ जाएंगे कि कैबिन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। यहां आपको काला और सफेद इंटीरियर मिलेगा जिसके साथ पूरे डैशबोर्ड पर नया ऑफ वाइट पैनल और ट्राई एरो पैटर्न दिया गया है। कार में सामान्य तौर पर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी मिलेगी। इस पर विकल्प में ऑडियो कंट्रोल और नकली चमड़े की रैपिंग भी है।
नए नेक्सॉन में टाटा ने पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला है। नेक्सॉन सुरक्षा के मामले में अपनी अलग पहचान बना चुकी है और यहाँ कोई समझौता नहीं किया गया है। कार के सभी वेरियंट्स के साथ सामान्य रूप से 2 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESP, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कंट्रोल, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल और बच्चों के लिए आइसोफिक्स सीट माउंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आज जो हम चला रहे हैं वो नेक्सॉन पेट्रोल है और इसमें वही 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज 3-सिलेंडर इंजन है जो पुराने वर्जन में भी था, बट ये अभी BS6 कंप्लायंट है और ज़्यादा पावरफुल भी है, जो 118 ब्रेक हॉर्स पावर देता है। वो पिछली BS4 वर्जन के कंपैरिजन में 10 BHP ज़्यादा है। अभी मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको 5500 RPM के अराउंड मिलता है और अगर टॉर्क की बात करें तो इसमें 170 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क है जो आपको 1750 RPM से लेकर 4000 RPM के बीच में मिलता है। टाटा मोटर्स कार में डीजल इंजन का विकल्प भी दे रही है जो 1.5 लीटर का है। ये पहले की तरह 108 BHP और 260 NM पैदा करता है। ट्रांसमिशन विकल्प पेट्रोल जैसे ही हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील कार के स्पोर्टी एहसास को बढ़ाता है। हालांकि ये सिर्फ टिल्ट किया जा सकता है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है, यानी आगे पीछे नहीं होता। हमें अपनी पसंद के हिसाब से ये थोड़ा हल्का लगा, लेकिन हाँ, अगर आप शहर में इसे चला रहे हैं तो ये काफ़ी बेहतर लगेगा। तेज़ रफ्तार पर भी ये स्थिर बना रहता है। इसके साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा जो एक बोनस जैसा है। सस्पेंशन भी बेहतर संतुलन लाता है। हाँ, थोड़ा नरम है लेकिन फिर भी नेक्सॉन सभी तरह की सड़कों पर आसानी से चलती है और आपको बेहतर राइड क्वालिटी मिलती है। टाटा मोटर्स ने नई नेक्सॉन की शुरुआती कीमत 6,99,000 रुपये रखी है जो 12,70,000 रुपये तक जाती है। ऐसे में यह सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की सबसे किफ़ायती कार तो नहीं है। किया सोनेट और ह्यूंडई वेन्यू दोनों के बेस मॉडल नेक्सॉन के मुकाबले 28,000 और 24,000 रुपये सस्ते हैं। हालांकि ये विटारा ब्रेज़ा से 35,000 रुपये सस्ती है और XUV300 से इसकी कीमत 96,000 रुपये कम है। फोर्ड इकोस्पोर्ट की तुलना में तो नेक्सॉन 1,20,000 रुपये सस्ती है, वहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर इससे 1,04,000 रुपये महंगी है। तो यहाँ भले ही नेक्सॉन के साथ वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ आराम से भरी यात्रा और सुरक्षा के दमदार फीचर्स मिलते हैं जो बेस वेरिएंट से ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा कार में अच्छी जगह देने वाला कैबिन और दमदार इंजन भी दिए गए हैं। तो अगर आप सभी तरह से सक्षम सब कॉम्पैक्ट SUV की तलाश कर रहे हैं जो चलने में अच्छी है, बेहतर आराम और जगह वाली है और इसकी कीमत भी आपके बजट में आ जाए, तो टाटा नेक्सॉन आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प बनी हुई है। आज रफ्तार पे सिर्फ इतना ही, लेकिन आप हमें बताएं जरूर कि आपको शो कैसा लगा। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @carandbikehindi पर और आप मुझे भी ट्वीट कर सकते हैं @sidpatankar पर। तो अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए अपना सीट बेल्ट पहना ना भूलें और फिर हेलमेट भी अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो ज़रूर पहने रखें। अलविदा।